तो फिर जो है यूट्यूब के दो बड़े महानायक जो है आपस में लड़ पड़े हैं और ये जो है मामला है कोर्स बेचने को ले। लेकिन जो है हमारे अगरबत्ती बिजनेस से क्या लेना देना, तो मैं ये कहूंगा कि लेना देना है, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस की ट्रेनिंग्स और कोर्स बेचने को लेकर काफी सारे यहाँ भी स्कैम्स हो रहे हैं। और जो है मैं किसी भी तरीके का कोर्स क्यों नहीं बेचता हूँ, चाहे वो बिजनेस ट्रेनिंग को लेकर हो, चाहे प्रीमिक्स से फॉर्मुलेशन को लेकर हो, या फिर परफ्यूम्स बनाने के जो कोर्सेस होते हैं उससे लेकर हो। और जो है कभी कभी लोगों से मुझे गालियां भी सुननी पड़ती हैं। कारण क्या है कि मेरे काफी सारे जो वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैंने चीजें बताई हुई है, चाहे प्रीमिक्स फॉर्मुलेशन हो या परफ्यूम से रिलेटेड। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। और जो है आज का ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा और छोटा वीडियो होगा, क्योंकि अभी यूट्यूब की जो जर्नी है इसमें एक बहुत बड़ी, सोशल मीडिया में बोलना चाहूँ, बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, वो है कोर्स बेचने को लेकर। ये कोर्स बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर और काफ़ी सारी जो चीज़ों पे लोग कोर्स बनाकर जो बेचते हैं, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है हुई है। आप यही सोच रहे होंगे कि इससे हमारे अगरबत्ती बिजनेस से क्या लेना देना है। लेना देना है, आगे वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू आपको जो है मिलते रहेंगे। तो प्लीज चैनल आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। सो फिर बात करते हैं हम अपने टॉपिक्स के ऊपर। जैसे अभी अभी के टाइम पे जो है ये स्कैम्स चल रही हैं, और अगर आप यूट्यूब में थोड़ा वीडियोस वगैरह देखते होंगे सो फिर आपको ये चीजें पता लग जाएंगी कि आखिर क्या चल रहा है। गूगल भी करोगे तो आपको ये चीजें जो है पता लग जाएंगी। दो बड़े जो है मोटिवेशनल्स और बिजनेस कोच इसमें आपस में जो है लड़ रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम जो है हम अपने टॉपिक से रिलेटेड हमारे बिजनेस के अंदर क्या चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे आपको बचना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। होता क्या है कि अभी के टाइम पे जैसे नए नए जो बिजनेस को लेकर लोग आते हैं, तो उनके मन में एक ख्याल होता है कि भाई हम ये चीजें कर रहे हैं उससे पहले एक छोटा सा ट्रेनिंग ले लेते हैं, या किसी से जो बिजनेस में पहले से उनसे चीजें जो है सीख लेते हैं, या फिर कोई इसी तरीके से किसी भी तरीके का जो कोर्स होगा, चाहे प्रीमिक्स पाउडर बनाने को लेकर हो गया, या फिर परफ्यूम के फॉर्मुलेशन को लेकर हो गया, या बेसिक जो डिटेल्स होते हैं कि इसी तरीके से हमको काम करनी चाहिए, इसके बेस में जो है काफी सारे ऐसे लोग जो कि इसी चीजों का जो है फायदा उठा रहे हैं और मोटा पैसा भी बना रहे हैं। कारण क्या है कि लोगों की मजबूरी का जो है फायदा उठा के काफी अच्छा जो है पैसा वसूला जा रहा है, और देखा जाए तो इससे सीखने को जो है कुछ ही चीजें मिलती हैं, बाकी उनके साथ जो है स्कैम हो जाता है ट्रेनिंग खरीदने को लेकर या फिर किसी भी तरीके के कोर्स को लेने को लेकर। क्योंकि कोर्स में ज्यादातर आप देखे होंगे तो कुछ ऐसे बेसिक डिटेल्स दे देते हैं, आपसे पैसा वसूल लेते हैं कि भाई इतनी चीजें हम सिखाएंगे, बट वो चीजें होती नहीं है। रियर केस में ही कुछ ऐसे जो इस ट्रेनिंग के बेस में काम करते हैं वही लोग ही कर पाते हैं, बाकी जो है 90% लोग जो है स्कैम ही करते हैं। क्योंकि मैं जहां तक चीजें देखा हूं तो काफी सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि मुझे ये कंप्लेन करते ही रहते हैं कि सर हमने इस जगह से ट्रेनिंग ली थी लेकिन हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, इतने सारे जो है पैसे दे के हमने एक कोर्स लिया था परफ्यूम बनाने को लेकर, या फिर काफी सारे प्रीमिक्स के जो अलग अलग फॉर्मुलेशन है, लेकिन हमें कुछ फायदा नहीं हुआ और उन्होंने कुछ सिखाया भी नहीं हमें। तो मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि अभी के टाइम पे अगर किसी भी तरीके का कोई कोर्स आप बाई कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो पहले उनकी अच्छी तरीके से आप जांच कर ले कि आखिर वो सिखाएगा क्या, और ये अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड अगर वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, कुछ उससे पैसे ले रहे हैं, तो उस ट्रेनिंग के बेस में आपने क्या क्या चीजें जो है सिखाने वाले हो उसके बारे में आप जरूर क्वेश्चन कीजिए, ताकि जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक सही जगह लगे और आपको बेसिक जो है नॉलेज मिल पाए। अब आगे बात ये हो जाती है कि मैं किसी भी तरीके से कोई भी ट्रेनिंग का पैसा क्यों नहीं लेता, या फिर किसी भी तरीके से मैंने कोर्स क्यों नहीं बेचा, क्योंकि वीडियोस में आपने देखे होंगे तो अभी तक के मैं कहूं तो काफी सारे ऐसे फॉर्मुलेशन, हालांकि
मुझे परफ्यूम्स और काफी सारी चीजों का डीप नॉलेज नहीं है, फिर भी एक बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ कि आप इस तरीके से चीजों को कर लो। और मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी भी छोटी सी छोटी चीजों के लिए पैसा चार्ज करूं या फिर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा लूं, और मेरी मानसिकता ये रहती भी नहीं है, क्योंकि मेरा सोचना ये है कि जो हमारा भारत है और यहाँ पे जो लोग हैं और जो बिजनेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं जो मेरी हैसियत है या फिर जो मेरी समझ है, मैं कुछ ऐसी चीजें अपना कुछ समय निकाल के लोगों को सिखा पाऊं। और मेरी सोच भी यही होती है कि जो है लोग अगर कुछ चीजें करना चाह रहे हैं तो क्यों ना उन्हें चीजों को बताया जाए। और आज भी अपना टाइम निकाल के किसी भी तरीके से लोगों को कोई भी चीजों की जरूरत पड़ती है कि हमें ये चीजें कर रहे हैं, सपोज प्रीमिक्स बनाना हो गया, तो किसी को नेचुरल प्रोडक्ट बनाना हो गया, किसी को किसी तरीके की चीजें नहीं हो पा रही है, तो बिल्कुल अगर मेरे पास समय होता है तो उनको हेल्प जरूर करता हूं। सो यही एक जो है छोटी सी बात थी। और काफी सारे लोग मुझे ये चीजों को लेकर गालियां भी देते हैं कि भाई आप सारी चीजें फ्री में क्यों बता देते हो। कारण यही है कि मैं अपने फायदे के लिए नहीं सोचता, और लोगों की जो मानसिकता होती है, एक छोटी मानसिकता जो लेके चल रहे हैं ना, कि आप सब चीज को फ्री में कर रहे हो, कि ऐसे कर रहे हो, मार्केट खराब कर रहे हो, काफी सारे बातें। तो मैं यही सोचता हूँ कि ये सब चीजें जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो हमारे चैनल के लिए बस एक छोटा सा आप सपोर्ट करके जरूर रखें, और ये वीडियोस को जितना से जितना लोगों के बीच हो आप शेयर जरूर करें, जो कि किसी भी तरीके से अगर कोर्स वगैरह लेने की सोच रहे हैं या फिर ट्रेनिंग के बेस में, तो उनको इन चीजें के बारे में पता लग जाए। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों से आप बच के जरूर रहिए। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।